हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जमाल खान और स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जमाल खान कार टेक्नोलॉजी पर। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे, ये जो इंजन है ये है हुंडई i10 ग्रैंड पेट्रोल कार का इंजन है। तो इस कार का हमने पूरा इंजन बनाया है, लेकिन हम आपको इस वीडियो में सिर्फ इसका इंजन के टाइमिंग के बारे में समझाएंगे। तो इस वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहिए। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ की इसकी जो क्रेंक शाफ्ट है, क्रेंक शाफ्ट के पास में ये जो चेन पर जो कॉपर वाला पॉइंट है, तो कॉपर के निशान वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हमें क्रेंक शाफ्ट पे ये छोटा सा क्रेंक शाफ्ट के गियर पे छोटा सा सिफर का ये छोटा सा गड्ढा दिख रहा होगा आपका, सिफर वाला निशान, तो इसके ठीक सामने कॉपर वाला पॉइंट रखना होता है। तो ये हमारी क्रेंक शाफ्ट का टाइमिंग हो जाता है। और दोस्तों अभी इसकी कैम शाफ्ट का टाइमिंग भी आपको समझाएंगे। सबसे पहले आपको दिखा दें, यहाँ पर लगा होता है इसका ऑयल पंप। तो ऑयल पंप पर दोस्तों ये चेन जो लगी हुई है, तो ऑयल पंप के गियर पर या चेन पर कोई निशान नहीं होता है। ऑयल पंप के गियर को आप किधर भी लगा सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और इसकी जो कैम शाफ्ट हैं दोनों ऊपर, तो कैम शाफ्ट के जो गियर पर जो निशान बने हुए हैं, ये सफ़ेद सफ़ेद जो निशान दिख रहे होंगे दो ये आमने सामने, तो इन सफ़ेद वाले निशान को दोनों को ठीक आमने सामने रखना होता है। तो ये भी कैम शाफ्ट का टाइमिंग है। बाकी मैं ऊपर से भी समझा दूँ कि ऊपर भी चेन जहाँ पर लगती है उस साइड में भी इसमें कट वाले निशान दिए होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, शायद आपको क्लियर दिख रहे होंगे, भी ये जो कट वाला निशान है, ये कट वाला निशान चेन पर जो कॉपर वाला पॉइंट है, कॉपर के निशान वाला, तो वो ठीक इसके कट वाले निशान के ठीक सामने रखना है। बाकी ये दूसरा जो छोटा सा कट वाला निशान है ये साइड में, यहाँ पर ध्यान नहीं देना बिल्कुल भी आपको। ये टाइमिंग वाला निशान ये है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो चेन वाले पॉइंट के ठीक सामने है, चेन पर जो कॉपर वाला पॉइंट है इसके ठीक सामने जो ये कट वाला है यहाँ पर, बाकी जो साइड में है छोटा वाला उस पर आपको ध्यान नहीं देना बिल्कुल भी। और इसी हिसाब से इसकी दूसरी कैम शाफ्ट का भी टाइमिंग होता है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी दूसरी कैम शाफ्ट का। तो ये जो छोटा वाला कट वाला जो निशान जो दिख रहा है इधर आपको, इस पर ध्यान नहीं देना आपको, बल्कि इसका टाइमिंग का निशान ये है, ये जो कॉपर वाला पॉइंट है जो चेन पर जो कॉपर कलर का जो चेन वाला पॉइंट है, तो इस पॉइंट को आपको कैम शाफ्ट के इस सिफर वाले गड्ढे पर गड्ढे के ठीक सामने रखना है। इसमें जो छोटा सा गोल सा एक गड्ढा बना हुआ है, इस गड्ढे के ठीक सामने चेन पर जो कॉपर वाला पॉइंट है इसको ठीक सामने रखना है। तो ये इसका दूसरी कैम शाफ्ट का टाइमिंग हो जाता है। और तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जो मैंने ये टाइमिंग का जो समझाया इस कार का, तो शायद आपको ये टाइमिंग समझ में आया होगा। तो ये हुंडई की पेट्रोल कार है, हुंडई i10 ग्रैंड है। तो i10 ग्रैंड का इंजन का टाइमिंग जो मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ अभी, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो मैंने टाइमिंग समझाया आपको समझ में आया होगा। और दोबारा से आपको इसकी क्रेंक शाफ्ट का टाइमिंग फिर से एक बार दिखा देता हूँ मैं, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो चेन पर जो कॉपर कलर का जो पॉइंट है, ये पॉइंट को हमें क्रेंक शाफ्ट के ठीक क्रेंक शाफ्ट के ऊपर जो गियर है उस पर सिपर होता है, उस सिपर के ठीक सामने हमें रखना होता है। तो ये जो है दोस्तों पूरा टाइमिंग जो था मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को दोस्तों आगे भी शेयर करें ताकि काम वाली जानकारी आगे भी पहुंच सके। और वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों आप सभी का दिल से धन्यवाद।